किया मोटर्स इंडिया ने अपनी पॉपुलर कार्निवल एमपीवी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने इस गाड़ी को अपनी वेबसाइट से भी डीलिस्ट कर दिया है। हमारे डीलर सोर्सेज ने भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन कंफर्म करी है। इवन मोस्ट ऑफ द डीलर्स ने इसकी बुकिंग्स लेना अप्रैल 2023 में ही बंद कर दिया था। थोड़े बहुत अभी भी इस गाड़ी के यूनिट्स हैं जो कुछ डीलरशिप्स के स्टॉक्स में पड़े हुए हैं। ये गाड़ी इंडिया में एज अ सीकेडी यूनिट बेची जाती थी। अर्ली दिस ईयर कंपनी ने फोर्थ जन कार्निवल को शोकेस किया था कोडनेम्ड एज KA4 एट ऑटो एक्सपो। उस मॉडल का नाम किया ने कार्निवल इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वो कंज्यूमर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे एज द थर्ड जन मॉडल इज ऑलरेडी ऑन सेल। इसका जो फोर्थ जनरेशन मॉडल है वो ग्लोबली इंट्रोड्यूस किया गया था जून 2020 में, जिसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले 3 साल से बेचा जा रहा है और कंपनी ने ऑलरेडी इस गाड़ी के एक नए मिड लाइफ अपडेट पर काम करना शुरू कर दिया है जो अर्ली 2024 में डेब्यू करेगा। इंडिया में इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड फोर्थ जनरेशन मॉडल लॉन्च किया जाएगा जो ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा लग्जूरियस भी होगा। इंटरनेशनल स्पेक मॉडल के साथ एक पेट्रोल हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑफर किया जाता है। अब पता नहीं कि इंडिया में सेम पावर प्लांट ऑफर करा जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को इस गाड़ी के प्राइसिंग को भी अग्रेसिव साइड पे रखना है। इंडिया में फोर्थ जनरेशन कार्निवल का लॉन्च 2025 में एक्सपेक्टेड है। अभी कंपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है 4 जुलाई को नई किया सेल्टोस लॉन्च करने के लिए। आपके क्या व्यूज हैं अबाउट दी किया कार्निवल डिसकंटिन्यूएशन वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।